हाय गाइस, आज हम लोग एकलव्या मॉडल स्कूल के बारे में जानेंगे। अगर हम एकलव्या मॉडल स्कूल की बात करते हैं तो इसे अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स छात्रों के लिए तैयार किया गया था। इसको स्टार्ट 1997-1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। उस समय ये फील करा गया था कि जो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट है उनको कुछ स्पेशल स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो कि उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड हो इम्प्रूव हो सके। अगर स्कूल की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी पैटर्न फॉलो करा जाता है उससे बेसिक पैटर्न फॉलो करा जाता है ताकि जो भी एजुकेशन हो एक हाई क्वालिटी का हो। रिसेंटली जो बजट पास हुआ था रिसेंट बजट में इसमें एक नई क्राइटेरिया को डाला गया। क्राइटेरिया ये है कि जिस भी ब्लॉक में मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्राइबल या 20,000 के पॉपुलेशन और जो 20,000 जो पॉपुलेशन हो ट्राइबल पॉपुलेशन हो वहाँ पे ये स्कूल को स्थापित करा जाएगा, इस्टेब्लिश करा जाएगा। मतलब जिस भी ब्लॉक में 50% जो वहाँ की पॉपुलेशन है 50% अगर शेड्यूल ट्राइब हो या वहाँ पे 20,000 शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन हो वहाँ पे ये स्कूल एकलव्या मॉडल स्कूल को स्थापित करा जाएगा। अब हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। ये हमारे पॉपुलेशन में उनका जो कंपोजिशन है अराउंड 8%, मतलब 8-9% जो पॉपुलेशन है भारत के टोटल पॉपुलेशन में उनका ये जो शेयर है अराउंड 8% है। 8% शेड्यूल ट्राइब भारत में है और टोटल पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC/ST एक्ट 1989, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। ये जो कुछ प्रोविजंस हैं ये शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए है। साथ में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जिसे 2004 में इस्टेब्लिश करा गया था बाई एक्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब 2003 बाय इंसर्टिंग 338 से। मतलब जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को 2004 में स्थापित किया गया था ताकि जो भी ग्रीवेंस हो जो भी परेशानियां हो शेड्यूल ट्राइब की अनुसूचित जनजाति की उनको सॉल्व किया जा सके। इसको 2004 में स्थापित किया गया था बाई 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 89वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस आयोग का गठन हुआ था बाय इंसर्टिंग जो हमारे आर्टिकल 338 ए जो था आर्टिकल, पहले जो 338 था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट था उसमें 338 ए ऐड करके इस कमीशन को स्थापित करा गया। अगर हम शेड्यूल ट्राइब कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 342 के अंतर्गत किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करता है तो हम उसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। धन्यवाद।